चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, नीट 22 एग्जाम के लिए एनटीए ने जो एप्लीकेशन फिल करवाए थे उसके लिए करेक्शन विंडो स्टार्ट हो चुका है। यानी कि जिन कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई थी उनमें उनको करेक्शन करना है तो वो 27 मई 2022 तक करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन सभी फील्ड में कर सकते हैं, इमेज को भी आप दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में यह बताऊंगा कि किस प्रकार से आपने करेक्शन करना है, कौन कौन से फील्ड में करेक्शन करना हो सकता है और कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले एक बार जो एनटीए की तरफ से करेक्शन विंडो के लिए नोटिस दिया गया है उसको हम देख लेते हैं। तो यहां पर ये 24 मई 22 से करेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट इनकी 27 मई 2022 रात 9 बजे तक है। यानी कि रात 9 बजे से पहले पहले आपको करेक्शन करना है। मैं आपको एक चीज यहां पर क्लियर बता देता हूं, ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि ये करेक्शन आप एक ही बार कर सकते हैं, ये करेक्शन एक ही बार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब आपने एक बार कैटेगरी में चेंज कर दिया, दोबारा आप एजुकेशनल डिटेल में चेंज करना चाहें तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, एक ही बार करेक्शन कर पाएंगे। तो आपने करेक्शन ध्यान से करना है, जो भी करेक्शन करना है पहले दिमाग में आपने ये बैठा लेना है कि करेक्शन मेरा इस फील्ड में करना है, ये मिस्टेक है। तो ये बिल्कुल आपने ध्यान रखना है कि करेक्शन एक ही बार होगा, आप बार बार करेक्शन नहीं कर सकते, आप फाइनल सबमिट करने के बाद में करेक्शन नहीं कर सकते इसमें। तो जो इसकी लास्ट डेट है वो 27 मई 2022 है और इसमें एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फील्ड में आप चेंज कर सकते हैं। तो इसमें अनक्सर वन में दे रखा है कि आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और नेशनलिटी के अलावा सभी फील्ड में करेक्शन कर सकते हैं, सभी फील्ड को चेंज कर सकते हैं। ये बिल्कुल क्लियर लिखा है, यानी कि मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते, ईमेल आईडी चेंज नहीं कर सकते, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और नेशनलिटी चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा आप सभी फील्ड में करेक्शन कर सकते हैं, इमेज में भी आप करेक्शन कर सकते हैं, इमेज को भी दोबारा अपलोड कर सकते हैं। इसमें दो कंडीशन दी गई हैं, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने आधार वेरीफाई करवा रखा है, यानी कि एप्लीकेशन फिल करते समय आधार वेरीफाई का एक ऑप्शन आ रहा था, अगर किसी कैंडिडेट ने वेरीफाई करवा रखा है तो वो कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर में करेक्शन नहीं कर सकते हैं। इन तीन फील्ड में करेक्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आधार से वेरीफाई होते हैं। इसके बाद में आप इसमें दो फील्ड में करेक्शन नहीं कर सकते, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ये तो तीनों में हो गया। इसमें मतलब कि तीनों में आप करेक्शन नहीं कर सकते, ये वेरीफाई किया जाता है आधार से। इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है, अगर आप फादर और मदर नेम में चेंज करना चाहते हैं तो आप फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर में चेंज नहीं कर सकते, उनको री अपलोड नहीं कर सकते। कैटेगरी आप इसमें चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट री अपलोड कर सकते हैं, सब कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी जो सर्टिफिकेट होता है विकलांग वाला वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। जो आधार के वेरीफाई कैंडिडेट नहीं हैं, जिन्होंने आधार वेरीफाई नहीं करवा रखा, ये जरूरी नहीं कि आप वो आधार वेरीफाई करवाए ही, अगर नहीं करवा रखा है तो वो कैंडिडेट नेम में भी चेंज कर सकते हैं, फादर नेम में भी चेंज कर सकते हैं, मदर नेम में भी चेंज कर सकते हैं। इसमें अगर आप इनमें चेंज करते हैं, कैंडिडेट चेंज करता है इन तीन फील्ड में तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर में चेंज नहीं कर सकता, अगर इनमें चेंज करना है तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर में चेंज नहीं करना, अगर आपने फोटोग्राफ सिग्नेचर चेंज करने तो इनमें चेंज नहीं कर सकते। आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, सब कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। तो ये है कि आप कौन कौन से फील्ड चेंज कर सकते हैं, तो इसमें सभी फील्ड आ गए आपके, जिनके वेरीफाई आधार वेरीफाई हो रखा है उनको तो आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि जो 10th की मार्कशीट के अनुसार ही डाटा लिया जाता है और आधार में भी वही डाटा है तो वो वेरीफाई हो जाता है। तो इसमें नेम में, जेंडर में और डेट ऑफ बर्थ में आपको करेक्शन करने की आवश्यकता फिर नहीं पड़ती है। इसमें
अब हम यहाँ पर देखें कि आपने इसमें चेंज कैसे करना है, यानी कि आप एक तो वेरीफाई कैसे करेंगे डिटेल अपने और इसमें चेंज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी वेबसाइट पर विजिट करना है। वेबसाइट पर विजिट करने के बाद में इसमें नीचे कैंडिडेट एक्टिविटीज लिखा है, करेक्शन फॉर नीट 22 लिखा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक जैसे ही करेंगे, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डालने के बाद में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। एक जगह कंफर्मेशन पेज डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और दूसरी जगह आएगा करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म। तो करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें ये दिखाएगा कि आप इसमें आपको इसमें एडिट कर सकते हैं। अगर आपको एडिट करना है तो आप इसमें एडिट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप एडिट के लिए लॉगिन करेंगे, इसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर ड्रॉप करना है और वेरीफाई प्रोसीड फॉर करेक्शन के लिए क्लिक करना है यहाँ पर। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म, फिर से एप्लीकेशन फॉर्म ये ओपन हो जाएगा और इसमें सारी डिटेल्स आ जाएगी। जो जो स्टेप्स आपने फिल किए थे वो सारे स्टेप्स आ जाएंगे, यानी कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएगी, पर्सनल डिटेल्स, आधार डिटेल्स, अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स अपलोड और फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट पर अभी तक अनकम्प्लीट लिखा हुआ है। अगर आपने इसमें कुछ करेक्शन करना है तो इसको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो ये फाइनल सबमिट हो जाएगा इसमें। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक बार चेक करना है। सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल पर क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आप किसी भी फील्ड को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये एज इट इज ही रहेगा। इसमें किसी भी फील्ड में कोई भी डाटा चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर आपने आधार वेरीफाई करवा रखा है तो यहाँ पर जो कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आ रहा है, ये तीनों ऑप्शन हाईलाइट नहीं होंगे, इनमें आप करेक्शन नहीं कर सकते। अगर आपने आधार वेरीफाई नहीं करवा रखा है तो सभी में आप चेंज कर सकते हैं। तो जो भी आपको चेंज करना है आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं। कैटेगरी के लिए यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो आपने, जैसे कि मान लो सबसे पहले आपने ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी फिल कर दिया, अभी आप जनरल फिल करना चाहते हैं तो इसमें फीस में डिफरेंस होता है। तो अगर आप एससी एसटी ओबीसी से जनरल फिल करना चाहते हैं तो जो भी फीस का डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर डिपॉजिट करना होगा। जब तक आप फीस का डिफरेंस डिपॉजिट नहीं करेंगे तब तक आपका फाइनल सबमिट नहीं माना जाएगा। तो आप अगर कैटेगरी चेंज करते हैं, ओबीसी से जनरल करते हैं, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस से जनरल करते हैं, तो इसमें आप फीस डिपॉजिट अवश्य कर दें। लास्ट में आपके पास में फीस डिपॉजिट का ऑप्शन आएगा, जो आपकी एक्स्ट्रा फीस होगी वो डिपॉजिट यहाँ पर करनी होगी। तो इस प्रकार से आप पर्सनल डिटेल फिल कर दें। अगर आप में कोई करेक्शन भी नहीं आप चेक करना चाहते हैं तो ये पर्सनल डिटेल फिर से चेक कर लें आप एक बार की कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। ये सारा सब कुछ करने के बाद कैप्चा कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो आपकी पर्सनल डिटेल की स्टेप फिल हो जाएगी। इसके बाद आधार डिटेल्स में आपने आधार नंबर डालना है, आधार नंबर सॉरी यहाँ पर डिटेल देनी है। अगर आप आधार की डिटेल शेयर नहीं करना चाहते हैं तो नीचे नीचे वाला ऑप्शन फिल कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप आधार का डाटा शेयर करना चाहें, अगर करना चाहें तो ऊपर और नीचे वाले दोनों ऑप्शन हैं, आप इसमें कर सकते हैं। अभी भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको आधार का डाटा शेयर करना ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद में क्वालिफिकेशन डिटेल्स आप डाल सकते हैं, सॉरी एग्जाम सेंटर डिटेल। आप एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं, यहाँ जो भी चार एग्जाम सेंटर हैं आप चेंज करेंगे तो सामने एग्जाम सेंटर लिखे आएंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर आपने क्लिक करना है। क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है तो पहले आपकी डिटेल सही है तो एक बार वेरीफाई कर लें, नहीं है तो आप डाल सकते हैं। 11th की प्रॉब्लम आती है काफी सारे स्टूडेंट को, तो यहाँ पास स्टेटस में नोट एप्लीकेबल कर देंगे तो 11th की डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है। जिन कैंडिडेट ने, जो कैंडिडेट प्रमोट हुए थे उनके लिए प्रॉब्लम आती है तो वो यहाँ नोट एप्लीकेबल लिख दें 11th की डिटेल्स में। अभी क्वालिफाइंग डिटेल्स के बाद में इसमें आता है आगे एडिशनल डिटेल्स। एडिशनल डिटेल्स में क्या आपने नीट एग्जाम का इसमें चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें।
डॉक्यूमेंट्स अपलोड में आप सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने कैंडिडेट नेम में चेंज कर दिया, जो पीछे मैंने कंडीशन बताई उसमें चेंज कर दिया, तो वो तो डॉक्यूमेंट्स आप चेंज नहीं कर सकते, फोटोग्राफ और सिग्नेचर, बल्कि यहाँ पर सभी के ऑप्शन दे रखे हैं, आप सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट का डाउट ये है कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेके है, ओबीसी सर्टिफिकेट को, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, बाकी तो एससी एसटी का सर्टिफिकेट परमानेंट होता है, उनको तो दोबारा उनकी कोई वैलिडिटी नहीं, लाइफ टाइम का सर्टिफिकेट है वो। इसके बाद ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को प्रॉब्लम आती है कि नया सर्टिफिकेट मांग रहे हैं 1 जनवरी 2022 के बाद का। अगर नहीं है तो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में एक डिक्लेरेशन फॉर्म दे रखा है, वो डिक्लेरेशन फॉर्म पर साइन करके वो अपलोड कर दें। अगर उनके पास नया बन के आ गया है तो इसको चेंज कर दें। तो ये आप डॉक्यूमेंट्स भी इसमें अपलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में आपने पूरी डिटेल वेरीफाई करके लास्ट में फाइनल सबमिट कर देना है, और फाइनल सबमिट करने के बाद में आप होम पेज में आके डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज पर क्लिक करके आप यहाँ पर कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर सकते हैं आपका। तो इस प्रकार से करेक्शन कर सकते हैं इसमें। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सही है या नहीं है ये चेक करना आप चाहते हैं, तो एक बार लॉगिन करके पूरी डिटेल चेक करके अगर बिल्कुल सही है तो फाइनल सबमिट कर दें, अगर सही नहीं है उसमें कोई करेक्शन करना है तो आप करेक्शन कर दें। तो ये जानकारी थी करेक्शन विंडो के बारे में। बाकी कोई अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।